फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ भिंडी की बहुत ही टेस्टी सब्जी, भिंडी मसाला फ्राई, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब है। फ्रेंड्स, भिंडी तो हम कई तरीकों से बनाते हैं, बट मैं आज जो आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही ईजी, टेस्टी और 10 मिनट में तैयार होने वाली बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है लंच बॉक्स के लिए। आप बच्चों को, बड़ों को, सभी को 10 मिनट में ये सब्जी बनाकर लंच बॉक्स में दे सकते हैं फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं सब्जी कितनी टेस्टी और कितनी डिलीशियस लग रही है। यकीन मानिए, खाने में भी बहुत ही लाजवाब है और इसको बनाना भी काफ़ी सिंपल है। इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट की भी ज़रूरत नहीं होती और बहुत ही कम मसालों में हम इस सब्जी को तैयार करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है आधा किलो भिंडी, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और धोने के बाद हमें इसका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से सुखाना है। उसके बाद हम भिंडी को इस तरीके से काट सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा मैंने तिरछा कट किया है, इसे डायमंड शेप कहते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से काटिए, बट मैंने अभी इसको सिंपल तरीके से काटा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि हमें जल्दी से सब्जी बनानी है तो मैंने इसे सिंपल तरीके से काट लिया है। इसके बाद हम लेंगे 3 छोटे साइज के प्याज, आप चाहे तो 2 मीडियम साइज की प्याज ले सकते हैं, और 3-4 हरी मिर्च। इसको हम बारीक काट लेंगे। ये देखिए, मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। आप चाहे तो प्याज को रफली चॉप कर लीजिए, प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लेंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे। फ्रेंड, सरसों के तेल में ये सब्जी ज़्यादा अच्छी बनती है। उसके बाद हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, और जैसे ही जीरा क्रैकल होगा हम इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे जो हमने रफली चॉप किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज बिल्कुल बारीक भी नहीं है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, मीडियम साइज की चॉप प्याज है, आपको भी इसी तरह से काटना है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो करीब 1-1.5 मिनट तक हम इसे इसी तरह भूनते रहेंगे। और देखिए, 1-1.5 मिनट बाद जो प्याज है इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है। अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे। फ्रेंड्स, प्याज को हमें इसमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये देखिए, मैंने भिंडी डाल दिया है, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे प्याज के साथ, और करीब 30 सेकंड के लिए हम दोनों चीज़ों को इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी जो है कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रही है, मतलब भिंडी। तो हमें आधे मिनट के लिए इसे इसी तरह से फ्राई करना है, उसके बाद ही हम इसमें मसाले डालेंगे। तो फ्रेंड, चलिए अब मसाले डालते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, इसके बाद हम डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, बट मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और 1-1.25 चम्मच धनिया पाउडर। तो फ्रेंड्स, ये धनिया पाउडर आपको थोड़ा मोटा लग रहा होगा, ये मैंने घर में ही पीसा है इसलिए थोड़ा सा मोटा है। ये बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही प्योर धनिया पाउडर है, ये इससे सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। आप भी चाहे तो घर में ही धनिया के बीज लाके धनिया को पीस सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी का। तो देखिए, मसालों को अब मैं भिंडी में मिक्स कर रही हूँ, और हम करीब 10-15 सेकंड के लिए मसालों को और भिंडी को अच्छी तरह से मिलाएंगे, जिससे जो मसाले हैं वो सारी भिंडियों पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब टाइम है स्वाद अनुसार नमक डालने का। तो फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल दीजिए, और नमक को भी सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। नमक डालने के बाद हम सब्जी को खुले में इसी तरह से करीब 1 मिनट के लिए भूनते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने भिंडी को 1 मिनट के लिए इसी तरह से खुले में पकाया है, मतलब अभी मैंने लिड नहीं लगाई है, और मैंने मसालों को और भिंडी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इस पर लिड लगाएंगे और करीब 2 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो फ्रेंड्स, चलिए 2 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं, और 2 मिनट बाद चेक करते हैं। तो देखिए, 2 मिनट हो गए हैं और सब्जी हमारी आधी कुक हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, देखने में ही कितनी डिलीशियस लग रही है। तो हम इसको बीच बीच में 1-2 बार इसी तरीके से चलाते रहेंगे, जिससे सब्जी कढ़ाई से भी ना चिपके और अच्छी तरह से चारों तरफ से पक भी जाए। तो आप देख सकते हैं कि भिंडी कितनी अच्छी तरह से पक रही है। फ्रेंड्स, इस सब्जी को हम बिना पानी के स्टीम में पका रहे हैं। तो देखिए, अभी ये आधी पकी है, हमें थोड़ी देर के लिए इसे और पकाना होगा। तो हम इसे अच्छी तरह से चला के और दोबारा से लिड लगा कर इसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो फ्रेंड, देखिए, मैंने अच्छी तरह से चला दिया है, और इसको अब ढक देंगे और 2 मिनट बाद चेक करेंगे।
तो फ्रेंड देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं। ये देखिए सब्जी बिल्कुल पक गई है, आप देख सकते हैं। देखने में ही भिंडी बिल्कुल सॉफ्ट लग रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी डिलीशियस भिंडी की सब्जी तैयार है। अब लास्ट में हमें 2 मसाले और डालने हैं, तो उसको डालने के बाद भिंडी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये मैंने डाला है 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच अमचूर पाउडर, जिसे आप खटाई का पाउडर भी कह सकते हैं, खटाई है ये, पिसी हुई खटाई 1 चम्मच। अगर आपको खटाई कम पसंद है तो आप 1/2 चम्मच डालिए, या फिर अगर आपके पास खटाई या अमचूर पाउडर अवेलेबल नहीं है तो 1/2 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम अच्छी तरह से सब्जी को मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं सब्जी कितनी अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई है। अब हम इसे करीब 1/2 मिनट के लिए और पकाएंगे और उसके बाद हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो जाएगी सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं लिड लगा देती हूँ और 15 से 20 सेकंड के लिए इसे और पका लेंगे, जिससे गरम मसाले और अमचूर का फ्लेवर भी भिंडी के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। सब्जी बिल्कुल तैयार है और कितनी डिलीशियस और यमी सब्जी बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व करेंगे और आप देख सकते हैं जो भिंडी है वो बिल्कुल अलग अलग है। कई लोगों की भिंडी जो चिपचिपी बनती है, बट आप देखिए इसका एक एक दाना बिल्कुल अलग है और देखने में ही काफ़ी डिलीशियस लग रही है। इस सब्जी को बच्चे और बड़े बहुत ही शौक से खाते हैं। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप इसे लंच में बना के खाएं, डिनर में बना के खाएं, दाल चावल के साथ खाएं या फिर पूरी पराठे के साथ, आपको सभी के साथ ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। फ्रेंड्स मैं आपके लिए इसी तरह की इनोवेटिव एंड डिफरेंट रेसिपीज़ लाती रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही इजी सिंपल तरीके से डेली यूज़ में जो हमारे खाना बनता है उस तरह की रेसिपीज़ लाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। We'll be right back.